हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मल्टीटास्क वर्कर भर्ती से रिलेटेड आप सभी को सारे अपडेट देता रहता हूं। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बना ली है अपडेट से रिलेटेड। जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप सभी को मैं बताता हूं। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे व्यूअर को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट के कितने नंबर लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनाने हैं। हाँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ बनाने हैं, वो अन्य लोगों की हेल्प के लिए नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी के कौन से डॉक्यूमेंट के कितने नंबर लगेंगे। और हाँ, जिस किसी को भी पता नहीं है तो नीचे कमेंट जरूर कर लेना कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, तो मैं उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर नई नीति के अनुसार स्कूल से दूरी के 8 नंबर मिलेंगे। तो जो स्कूल से घर की दूरी होगी या फिर घर से स्कूल की दूरी कुछ भी कह सकते हैं, उसके 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्कूल से संबंधित वार्ड से होने वाले प्रत्याशी को 8 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो ये डॉक्यूमेंट है ये वाला, तो इसमें स्कूल से आपके घर तक की कितनी दूरी है उसके 8 नंबर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आपका घर जितना दूर है उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट है, स्कूल से संबंधित वार्ड से होने वाले प्रत्याशी को 8 नंबर मिलेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत के वार्ड होते हैं अपने अपने, अगर आपके स्कूल में वैकेंसी, आपके वार्ड में कोई स्कूल है और उसमें वैकेंसी है, तो आपको उसके 8 नंबर मिलेंगे, उसका डॉक्यूमेंट भी बनेगा। अलग वार्ड से हो तो 6 नंबर, अगर अलग वार्ड से हो आप तो 6 नंबर मिलेंगे, अगर पड़ोस की पंचायत या शहरी निकाय से हो तो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। तो मतलब सबसे ज़्यादा फायदा इसमें जो स्कूल, जिस स्कूल में वार्ड आता है उस वार्ड वालों को है। आगे शैक्षणिक योग्यता में 5वीं पास को 5 नंबर और 8वीं पास को 8 नंबर दिए जाएंगे। तो मतलब कि कहने का यह है कि अगर आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है तो आपको उसके पूरे 8 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास 5वीं तक का सर्टिफिकेट है तो आपके 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपके 5वीं से कम पढ़े लिखे हो तो 0 नंबर मिलेंगे, और 8वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि 8वीं इसमें मैक्सिमम एजुकेशन रखी गई है। तो इसके बाद है इसके ऊपर की, अब विधवा अनाथ और दिव्यांग अभ्यर्थी को 8 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो विधवा है या फिर अनाथ है या फिर दिव्यांग है, मतलब कि जिसका हस्बैंड मर चुका है, या फिर जो अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है, या फिर दिव्यांग मतलब कि जो कि पोलियो का मरीज हो, मतलब कि या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमियाँ हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप सभी को 8 नंबर दिए जाएंगे। इसमें से यदि कोई बहुत गरीब परिवार है तो उसके आवेदक को 5 नंबर मिलेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है उसको 5 नंबर मिलेंगे, एकल नारी को 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे। एकल नारी मतलब कि किसी घर में अगर एक लड़की है, वो मतलब कि किसी माता पिता की एक संतान हो, तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे, या फिर सिंगल लड़की कह सकते हैं उस जिसका कोई भाई ना हो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने स्कूल के लिए जमीन दान की है उन्हें 8 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जिसने भी स्कूल के लिए जमीन दान की है उसको 8 नंबर दिए जाएंगे। जबकि एससी एसटी ओबीसी बीपीएल अभ्यर्थियों को 3 नंबर मिलेंगे। जिसके पास एससी एसटी ओबीसी या फिर बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, बाकी जनरल वालों को कोई नंबर नहीं मिलेगा। विरोध परिवार के अभ्यर्थी को 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी घर से कोई भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उस अभ्यर्थी को 3 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह जो है टोटल 36 नंबर की मेरिट बनेगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। तो यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट बनेगा, इसका जो है बेरोज परिवार के अभ्यर्थी है इसका अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे जो ऐसी ओबीसी या बीपीएल, यहाँ पे आप सभी ने इसका सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आप बीपीएल में तो बीपीएल का बनाओ, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी में हो तो इसका सर्टिफिकेट बनता है आपकी तहसील में, तो उसे बनाओ। बाकी जिन लोगों ने स्कूल को जमीन दान किया, ये शायद पटवारी के पास बनेगा, एक कल नारी का भी आपकी पंचायत पटवारी वगैरह के पास बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।